अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप देख रहे हैं टोकन स्पोर्ट। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच। तो पाकिस्तान इंडिया का टॉस हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि टॉस कौन जीता है। इंडिया ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया है। अरे वाह, आपको क्या लगता है, आप ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान आज कौन जीतेगा मैच? टॉस पर ज्यादा डिपेंड करता है। टॉस जो है इंडिया ने जीता और इंडिया जो है बॉलिंग का फैसला किया, यानी कि इंडिया चाहता है कि हम चेस करें, जो कि इंडिया जो है शुरू से ही चेस करने में माहिर है। विराट कोहली जो है वो हमेशा कहते हैं कि मुझे चेस पसंद है, चेजिंग। वो ये तो नो डाउट है कि इंडिया चेजिंग टीम है, ये सब जानते हैं इंडिया चेजिंग टीम है। क्योंकि आज मुझे लगता है कि आज बाबर आजम खेलेगा, आज रिजवान भी खेलेगा, आज मुझे लगता है आज मिडिल ऑर्डर भी खेलेंगे। आज पाकिस्तान का स्क्वाड हम चाहते हैं कि भरपूर खेले और मिडिल ऑर्डर भी खेले और टॉप ऑर्डर भी। लेकिन आज मुझे लगता है कि इंडिया की बैटिंग फ्लॉप होगी। इंडिया की बैटिंग तब फ्लॉप होगी जब हम 200 प्लस करें और फिर बॉलिंग में प्रेशर दें, यानी कि पहली दूसरी विकेट उनकी जल्दी गिर जाए। पाकिस्तान की तो फिलहाल अभी क्या बोलते हैं बैटिंग है, तो इंडिया बॉलिंग कराएगी। सबको पता है कि इंडिया की टीम कमजोर है अभी, तो इंडिया की मतलब बॉलिंग इतनी खास नहीं है इंडिया की। तो हो सकता है कि पाकिस्तान 150-180 प्लस कर दे, लेकिन बात इंडिया की भी कुछ कम नहीं है, लेकिन हमारे बॉलर भी कुछ कम नहीं है। हमारा जो शाइन ने जो कमबैक किया है, मैं कहता हूँ शाइन जब आ गए ना ग्राउंड में, तो फिर इंडिया वाले थोड़े से हक्का बक्का हो गए कि क्या हो गया शाइन एकदम से स्क्वाड में आ गया। अब देखते हैं शाहीन अफरीदी क्या करते हैं। शाहीन अफरीदी ने वार्म अप मैच में भी पहले ही ओवर में, पहले या दूसरे ओवर में, पहले ओवर में क्या बोलते हैं अफगानिस्तान के ओपनर को LBW किया था, वो भी इंजर्ड कर दिया और वो इंजर्ड भी हो गए थे। शाहीन शाह अफरीदी जो है विकेट टेकर बॉलर है, पहली विकेट पहले ओवर के अंदर लाजमी विकेट लेते हैं, ये उनका रिकॉर्ड है शुरू से। अब बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो है इंडिया के स्क्वाड के बारे में। इंडिया के स्क्वाड में जो है रोहित शर्मा जो है कैप्टन है उनके, और विकेट कीपर दिनेश कार्तिक बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। दूसरे तीसरे नंबर पर है KL राहुल जो है चारों तरफ बेझिझक शॉट खेलते हैं, इधर भी खेलते हैं उधर भी खेलते हैं, बहुत ही उम्दा बैट्समैन है। उनके बाद आते हैं विराट कोहली जो है उनका तो क्लास ही अलग है, वो एक मिनट में मैच का जो है पासा पलट देते हैं। लेकिन अभी विराट कोहली जो है अभी परफॉर्मेंस उनकी काफी डाउन है, लेकिन उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि वो ऐसा बैट्समैन है जो 2 मिनट में बॉलर को परेशान कर देता है, लेकिन हमारे बॉलर भी किसी से कम नहीं है। विराट कोहली के बाद बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव जो है T20 में अभी रैंकिंग में काफी ऊपर जा रहे हैं। ये कि बिना डरे खेलते हैं, बहुत बेझिझक शॉट खेलते हैं, चारों तरफ खेलते हैं, लेकिन अगर वो नहीं चले तो फिर इंडिया की टीम काफी मुश्किल में आ सकती है। उसके बाद है हार्दिक पांड्या जो है उनके बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जो बॉलिंग भी करते हैं बहुत अच्छी, राइट आर्म फास्ट बॉलर है और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, फील्ड में तो लाजवाब है हार्दिक पांड्या। उसके बाद बात कर लेते हैं अक्षर पटेल की, अच्छे बॉलर है, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं अश्विन जो है अच्छे बॉलर है, भुवनेश्वर है उनके विकेट टेकर बॉलर, जो हमेशा ओपनिंग करते हैं बॉलिंग के अंदर, उनके देखते हैं क्या बॉलिंग कर पाते हैं वो अच्छी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिच तो बड़ी मजेदार बनाई है, लेकिन उसके बाद देखते हैं मोहम्मद शमी ने अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो वार्म अप मैच खेला है, लास्ट 4 बॉलों पर 4 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, पहली बार किसी बॉलर को एजाज हासिल हुआ है। तो आज उनको देखते हैं कि वो आज अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं या नहीं। लेकिन बॉलिंग तो इंडिया के बॉलर अच्छी करेंगे, लेकिन हमारे बैट्समैन जो है वो किसी से कम नहीं है। अब इस बारे में सुमेर हमें बताएंगे कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन है स्क्वाड के बारे में, ये हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे पाकिस्तानी बैटिंग के बारे में, टॉप ऑर्डर के बारे में, मिडिल ऑर्डर के बारे में, बॉलिंग के बारे में, ये सुमेर हमें बताएंगे। पाकिस्तान 11 में तो अभी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है कि मतलब जैसे बाबर आजम तो आपको पता है कि कप्तान है, और बाबर आजम के बारे में तो हर कोई जानता है कि बाबर आजम कैसे खेलते हैं। बाबर आजम का मशहूर शॉट तो आपको पता है कवर ड्राइव है। दूसरे नंबर पे आते हैं रिजवान और बाबर की जोड़ी तो सबको पता है कैसी है, बेशक। तीसरे नंबर पे आते शान मसूद अभी फिलहाल इतना चल नहीं रहे इतना खास, लेकिन फिर भी शान मसूद को मौका दे रहे हैं कि उन्होंने PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद आते हैं हैदर अली हार्ड हिटर।